हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो प्लग का पिन होता है उसमें कट क्यों लगा होता है। तो दोस्तों, आपने काफ़ी सारे ऐसे प्लग देखे होंगे जिसके टर्मिनल में यानी कि पिन में कट लगा होता है, लेकिन अधिकतर प्लग के पिन में कट लगा नहीं होता। पर ऐसा क्यों होता है? हालाँकि बिना कट वाले और कट वाले दोनों प्लग का इस्तेमाल आज के समय में काफ़ी होता है, लेकिन इसका कारण बहुत से लोगों को नहीं पता होता है। इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, प्लग के पिन में कट इसलिए लगाया जाता है ताकि हवा का प्रभाव हो सके और करंट को बहने के लिए दो टर्मिनल मिल सके। हालांकि उन्हीं प्लग के पिन में कट लगाए जाते हैं जिनके पिन पित्तल के बने होते हैं। पित्तल के पिन अगर अत्यधिक गर्म हो जाए तो वह हल्के से फूलने लगते हैं, जिसके कारण सॉकेट में प्लग रहने से प्लग फंस जाता है, क्योंकि पित्तल के पिन अत्यधिक हीट को सहन नहीं कर सकते। जबकि ऐसे प्लग जिसमें कट ना हो या जिसकी पिन जो एल्युमिनियम की बनी होती है वो अत्यधिक गर्म नहीं होती। हाई वॉट सहन करने बावजूद भी पित्तल के पिन वाले प्लग ऐसे काम में लिए जाते हैं जहां हाई वॉट में करंट को ना बहाना हो। कम वॉट वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इनका उपयोग कर लिया जाता है। हालांकि पित्तल के पिन में विद्युत सही से बह जाता है और स्पीड भी अच्छी ही रहती है, इसलिए इनका उपयोग किया जाता है। इंडक्शन कुकर के साथ अगर पित्तल के पिन वाले प्लग को लगाए तो प्लग में से करंट काफ़ी अधिक मात्रा में बहेगा, जिससे पिन या टर्मिनल अत्यधिक गर्म होने के बाद सड़ जाएगा और उसकी पिन भी फूलने के बाद सॉकेट में ही फंस जाएगी। इसलिए प्लग के पिन में कट लगाया जाता है ताकि हवा का प्रभाव हो सके और करंट कट के दोनों तरफ आधा आधा बह सके। इससे पिन अत्यधिक गर्म नहीं होगा। अधिक पावर वाले प्लग में छेद भी किया जाता है गर्म होने से बचने के लिए, ताकि हवा का प्रभाव हो सके। लेकिन पिन कट वाले प्लग जो पित्तल के बने होते हैं उनका उपयोग इंडक्शन कुकरों जैसी हैवी उपकरणों में नहीं किया जाता। ऐसे उपकरणों के साथ ऐसा प्लग लगाया जाता है जिसकी पिन पित्तल की ना बनी हो। पिन में कट लगाने का सबसे जरूरी कारण है ताकि करंट एक ही पिन में दो जगह से अंदर जा सके। जिस प्लग के पिन में कट लगा होता है उसके टर्मिनल यानी कि पिन पित्तल की ही बनी होती है, जिसका रंग ब्राउन जैसे दिखाई देता है। हालांकि आपको कुछ प्लग ऐसे भी देखने को मिल जाएंगे जिसके पिन सिल्वर रंग के दिखाई दे रहे होंगे। हालांकि वो प्लग के पिन भी पित्तल के ही होते हैं, लेकिन उसके ऊपर निकल की परत चढ़ाई जाती है ताकि पित्तल के बने पिन को जंक ना लगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ में दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि हमारे ऐसे ही अगली वीडियो का नोटिफिकेशन डायरेक्ट आप तक पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों।